दूसरा महासागर है प्रशांत महासागर। बच्चों आप जानते हैं कि ये सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ पर भी जलधाराओं का प्रवाह है, जलधाराएं उसी प्रकार से प्रारंभ में जो जलधाराएं विषुवत रेखा के पास उत्पन्न हो रही है इसे भी हम उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा और प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, ये तीन जलधाराएं विषुवत रेखा के पास उत्पन्न होती है। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति पनामा के पास से लगभग होती है और ये लगातार प्रवाहित होती हुई जो न्यूगिनी का क्षेत्र है उस क्षेत्र से ये टकरा करके उत्तर की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर ये जो जलधारा है ये फार्मूसा से रिस्कू के क्षेत्र तक प्रवाहित होती है, यह भी गर्म जलधारा है। यहाँ पर इसको क्यूरोशिवो की जलधारा कहते हैं। क्यूरोशिवो की जलधारा जो है इसका तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि यहाँ पर जो लवणता है यह 36 से 37% तक पाई जाती है। बिल्कुल गल्फ स्ट्रीम की भांति क्यूरोशिवो की जलधारा आगे की ओर बढ़ती है। जापान के पास जा कर के यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि जापान के पास में, जापान और एशिया महाद्वीप का जो वृहद हिस्सा है उसके बीच में एक है जापान सागर। इस क्षेत्र में ये जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है और पुनः ऊपर जा कर के ये जलधारा ठंडी जलधारा में मिल जाती है। जापान के पास में ये जो जलधारा है उसके प्रभाव से एशिया का जो पूर्वी तट है इस पर वर्षा होती है। दूसरी जो जलधारा है जापान के पास आती है और जापान के पास आने के बाद लगभग 35 अंश अक्षांश के पास ये जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक जलधारा जापान की ओर जा रही है और दूसरी जो जलधारा है यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ये पूर्व की ओर क्यों मुड़ रही, यहाँ पर भी पछुआ हवाओं का प्रभाव है जो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही और ये जलधाराओं को पश्चिम अंश अक्षांश के पास पूर्व की ओर ले जा रही है। तो इस प्रकार से ये जलधाराएं पूर्व की ओर जाते हुए इसकी जो एक शाखा है ये बेरिंग सागर की तरफ चली जाती है और जो दूसरी शाखा है ये अलास्का की खाड़ी की तरफ चली जा रही है और यहाँ से ये जलधाराएं उत्तर में ध्रुवों के पास जा कर के विलीन हो जाती, शीत जलधारा में मिल जाती है। इसी बेरिंग जल डमरू के पास से ठंडी जलधारा का प्रवाह उत्तरी ध्रुव से उत्तरी सागर की ओर से दक्षिण की ओर आता है और दक्षिण की ओर आने के बाद ये जो जलधारा है यह जापान की तरफ अग्रसित होती है। इस जलधारा को क्यूराइल या ओयाशियो की जलधारा के नाम से जानते हैं। जब जापान के पास में क्यूरोशियो और क्यूराइल ये दोनों जलधाराओं का सम्मिश्रण होता है तो यहाँ पर भी घना कोहरा उत्पन्न होता है और इस क्षेत्र में मछलियाँ बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर मछली का व्यवसाय विकसित हो गया है। इस बीच में उत्तर से आने वाली जो भीतर ही भीतर से एक जलधारा नीचे की ओर आ रही है और जहाँ पर जो उत्तरी प्रशांत महासागर की जो क्यूरोशिवो की जो जलधारा थी जो कि बेरिंग सागर की तरफ या अलास्का की खाड़ी की तरफ गई तो उसके नीचे से एक ठंडी जलधारा का प्रवाह होता है और ये जलधारा कैलिफोर्निया के पास ऊपर
उठ जाती है। कैलिफोर्निया का पश्चिमी तट इस ठंडी जलधाराओं के प्रवाह के कारण यहाँ पर यह क्षेत्र ठंडा हो जाता है, क्योंकि ये ध्रुव से आने वाली जलधारा है जो कि कैलिफोर्निया के पास ऊपर आ गई। ये ठंडी जलधारा है और इसका प्रवाह से कैलिफोर्निया का जो तटीय भाग है, इस क्षेत्र में मरुस्थल का विकास हुआ है। जो एरिजोना का मरुस्थल है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसी ठंडी जलधारा के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है। और बाद में ये जलधारा आकर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में फिर से, जो भूमध्य रेखीय जलधारा है उसमें आकर के मिल जाती है। दक्षिण में दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा है और ये जलधारा निरंतर प्रवाहित होती हुई एक तरफ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ से ये जलधारा प्रवाहित होती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा इसे कहते हैं। ये धारा यहाँ पर दो हिस्से में प्रवाहित हो रही है। एक धारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से होते हुए तस्मानिया तक यहाँ पर जा रही है और ये पूरे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी जो भाग है उस भाग को गर्म करती है। दूसरी जलधारा आप यहाँ पर देख रहे हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के चारों तरफ इस गर्म जलधारा का प्रभाव है जिससे न्यूजीलैंड में वर्ष भर वर्षा होती रहती है। इस गर्म जलधारा का बहुत अच्छा प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ता है। न्यूजीलैंड से होकर के ये जो जलधारा है और भी नीचे चली आती है और लगभग 40 अंश अक्षांश पर आकर के ये पछुआ के प्रभाव से पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जा रही है। पूर्व की ओर मुड़ने के कारण इस क्षेत्र में चूंकि पूरा खुला समुद्र है और इस क्षेत्र में जलधारा जो है बहुत तेजी से बहने लगती है, तो उसके कारण इस क्षेत्र में, बच्चों आपने पढ़ा है, गरजती चालीसा, 40 अंश अक्षांश के पास में बहुत तेजी से हवाएं चल रही है और उसके कारण जलधाराओं का तेजी से प्रवाह हो रहा है। तो वो जो गरजती चालीसा है यही 40 अंश अक्षांश पर उत्पन्न होती है। इसे गरजती चालीसा या रोरिंग फोर्टीन्स के नाम से जाना जाता है। तो इसकी उत्पत्ति ये प्रशांत महासागर का जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर होती है। यहाँ से यहाँ पर ये जलधारा, गर्म जलधारा समाप्त हो जाती है। दक्षिण से उत्पन्न होने वाली जो ठंडी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है और यहाँ पर ये जो जलधारा है पीरू के तट से होती हुई, ये जलधारा दक्षिण में नीचे से उत्तर में पीरू के तट की तरफ चली जाती है। तो ये ठंडी जलधारा जिसको पीरुवियन ठंडी जलधारा कहते हैं और ये जलधारा अंत में जा करके पुनः विषुवत रेखीय जलधारा में मिल जाती है। यहाँ पर भी उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा के बीच में पुनः जो ढाल प्रवणता होती है उसके कारण विपरीत जलधारा का निर्माण होता है। ये जो विपरीत जलधारा है ये मिड नाओं से पनामा तक प्रवाहित होती है। प्रशांत महासागर में एक और जलधारा की विशेषता है और ये जलधारा मौसमी परिवर्तन की भी सूचक है। इसे हम कहते हैं एल नीनो की जलधारा। दो जलधाराएं हैं, आपने नाम सुना होगा, एक एल नीनो और दूसरा ला नीनो। एल नीनो क्या है? एल नीनो की जो जलधारा है इसे ये दिसंबर माह के तीसरे या चौथे सप्ताह में ये जलधारा उत्पन्न होती है। ये जलधारा पीरू के तट में उत्पन्न होती है। ये जलधारा जो विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा है
ये गर्म जलधारा होती है और कभी कभी यही जो जलधारा है पीरू के तट में उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 180 किलोमीटर की गति से प्रवाहित होती है। एक वृहत क्षेत्र में लगभग 180 किलोमीटर का वृहत क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत तेज गति से ये जलधारा प्रवाहित होती है। इस जलधारा का जो विस्तार है 30 अंश दक्षिण से लगभग 18 अंश दक्षिण तक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो जलधारा है कई कारणों से ये पूरे दक्षिण महाद्वीप के दक्षिणी छोर तक भी चली जाती है। और वैसे हम देखते हैं कि पेरू का जो क्षेत्र है ये पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर इस गर्म जलधारा के कारण विपरीत प्रभाव पड़ता है। और ये जो विपरीत प्रभाव का तात्पर्य क्या है कि जब शीतकाल में जब वायुदाब की पेटियाँ दक्षिण की ओर सरकती है तो इसके सरकने के कारण इस जलधारा का जन्म हुआ है। ये जो जलधारा है गर्म एलनीनो की गर्म जलधारा है, इसका जो तापमान होता है सामान्य रूप से वो इस क्षेत्र में 3 से 4 डिग्री तापमान को बढ़ा देता है। ये जो जलधारा है इसको क्रिस्ट चाइल्ड शिशु क्रिस्ट कहते हैं इसको। तो ये क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि इसका जो जन्म है प्रायः दिसंबर के 3रे से 4थे सप्ताह में होता है, जिस समय क्रिसमस मनाया जाता है, प्रभु यीशु का जो जन्म का समय होता है इसी समय इसका जन्म होता है। तो इसी से जुड़ी एक और जलधारा है जिसको लानीना कहते हैं। ये लानीना कहाँ उत्पन्न हो रही है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर उत्पन्न होती है। जब एलनीनो का प्रभाव समाप्त होने लगता है तो लानीना उत्पन्न होती है, और इसलिए इसको एलनीनो की छोटी बहन भी कहते हैं। और इसके कारण प्रशांत महासागर का जो तट है यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। तो जो लानीना है उसका प्रभाव विपरीत पड़ रहा है, यहाँ पर भी गर्मी बढ़ रही ठंड के क्षेत्र में और एलनीना से भी गर्मी बढ़ रही है। एलनीना के प्रभाव से गर्मी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि जो पेरू का तटीय भाग है यहाँ पर बहुत तेज़ी से वाष्पीकरण होता है और काफ़ी अधिक वर्षा होती है। जनवरी का माह यहाँ पर अत्यधिक वर्षा यहाँ पर हो रही है और उसके कारण इस क्षेत्र में अब जो मरुस्थली वातावरण है ये कम देखने को मिल रहा है। ये तटीय भाग जो है ये काफ़ी हरा भरा हो गया है और इस क्षेत्र में कपास, नारियल और केले की खेती होने लगी है। किंतु इस एलनीनो के प्रभाव से बहुत सी विपरीत परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई है। यहाँ पर जो ओशनिक बायोलॉजिकल डिजास्टर की स्थिति यानी कि महासागरीय जैविक विनाश की स्थिति उत्पन्न हुई अत्यधिक गर्म जलधारा के कारण। पहले ठंडी जलधारा थी, विषुवत रेखा का प्रभाव था और उसके कारण इस क्षेत्र में बहुत सी जैव विविधताएं यानी मछली और कई प्रकार की घास फूस उत्पन्न होती थी, लेकिन गर्म जलधारा एलनीनो के प्रभाव से यहाँ पर मछलियाँ मरने लगी, यहाँ की जो घास फूस या विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं इसका नाश होने लगा। तो इस क्षेत्र में इसके कारण बहुत अधिक प्रभाव जो है वह प्रबल प्रभाव पड़ रहा है। और कई बार ऐसा हुआ कि जो प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट है यहाँ पर अत्यधिक जलवृष्टि होने लग गई है और अत्यधिक जलवृष्टि के कारण 4 से 6% वर्षा की जो मात्रा है ये काफ़ी बढ़ गई है। कभी कभी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसके विपरीत प्रभाव के कारण कई बार ऐसा होता है कि जो प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है ये भाग यहाँ पर सूखा पड़ जाता है
और इस सूखे के कारण विभिन्न प्रकार के विनाश की स्थिति, जैसे 1997-98 में जो इंडोनेशिया के क्षेत्र में जो वनों में आग लग गई थी, वो कहते हैं कि एल नीनो के प्रभाव का परिणाम जो है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर पर पड़ रहा है। इसी प्रकार से 1972-73 में, 1976-77 में, 1982-83 में भी जो प्रकोप पड़ रहे थे, जो सूखा पश्चिमी क्षेत्र में पड़ रहा है, ये एल नीनो के प्रभाव से हो रहा है। दूसरी जो जलधारा है ला नीनो, जैसा अभी मैंने बताया कि ये प्रशांत महासागर के पश्चिम में उत्पन्न हो रही है, और इसी की उत्पत्ति के कारण, ला नीना के जन्म के कारण इस क्षेत्र में वाष्पीकरण बहुत अधिक होता है, जो कि सामान्य रूप से नहीं होता, और उस वाष्पीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप बहुत अधिक वर्षा हो रही है। तो इस वर्षा का प्रभाव से चीन, बांग्लादेश और भारत के क्षेत्र में जो 1998 में जो बृहत मात्रा में बाढ़ आई है, ये बाढ़ ला नीना के प्रभाव से आई है। तो एल नीनो का प्रभाव जहाँ पर प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट है वहाँ जलवृष्टि करवाता है, तो पश्चिमी तट में सूखा पड़ता है, और ला नीना जब उत्पन्न होती है तो ला नीना के प्रभाव से जो प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर अत्यधिक वाष्पीकरण से बाढ़ जैसी उत्पन्न स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये दोनों मौसम के अनुसार परिवर्तित होने वाली जलधाराएं हैं। तीसरा प्रमुख महासागर है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। हिंद महासागर की जलधाराओं में हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें परिवर्तन दिखाई देता है। इस क्षेत्र में जो जलधाराएं प्रवाहित होती है, ये जो जलधारा है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, ये जलधारा सामान्य रूप से ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और पश्चिमी क्षेत्र में ये अफ्रीका के तट से टकरा करके लाल सागर की ओर घूमती और वहाँ से भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है उस क्षेत्र में आ जाती है। ये ग्रीष्मकालीन मानसून की धारा हम इसे कहते हैं। ये भारत के पश्चिमी तट से क्रमशः दक्षिण की ओर घूम करके पूर्वी तट से बांग्लादेश होते हुए पुनः जो है भूमध्य रेखी जलधारा में मिल जाती है। सामान्य रूप से इस प्रकार की जो जलधारा है इसको हम उत्तरी पश्चिमी मानसूनी धारा के नाम से जानते हैं, जबकि शीतकाल में ये जलधारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। शीतकाल में ये जो जलधारा है ये अंडमान और सोमनी का जो क्षेत्र है उसके बीच से लगभग 5 अंश अक्षांश से यह उत्पन्न होती है, और ये जो जलधारा है ये बंगाल की खाड़ी से होती हुई भारत का चक्कर लगा करके अरब सागर में जा करके समाप्त होती है। इसे विपरीत या उत्तर पूर्वी मानसून धारा कहते हैं। ये शरद काल की प्रक्रिया होती है। दक्षिणी हिंद महासागर में जो भूमध्य रेखीय जलधारा है, यह जलधारा निरंतर प्रवाहित होती हुई पूर्व से पश्चिम की ओर आती है, और पश्चिम की ओर आने के बाद ये जलधाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर आकर के अफ्रीका के पास से टकराती है, और अफ्रीका से टकरा करके ये दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। दक्षिण की ओर इस जलधाराओं की दो शाखा हो जाती है। एक आप यहाँ पर देख रहे हैं मेडागास्कर जो द्वीप है, तो मेडागास्कर के पीछे तरफ से ये जलधारा प्रवाहित हो रही है, जिसे मोजाम्बिक जलधारा कहते हैं। जबकि मेडागास्कर द्वीप के पूर्व से प्रवाहित होने वाली जो जलधारा है ये
अगुल हास की जलधाराएं हैं। ये दोनों जलधाराएं आगे की ओर बढ़ती हुई दक्षिण में जो ठंडी जलधारा का क्षेत्र है वहां पर आकर के ये विलीन हो जाती है। दक्षिण से आने वाली जो जलधारा है पछुआ हवाओं के प्रभाव से यहाँ पर भी ये जलधारा लगभग 40 अक्षांश के पास ये जलधारा है पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। ये ठंडी जलधारा है 40 अक्षांश के पास। यहाँ पर फिर से हम विस्तृत खुले क्षेत्र में गरजती चालीसा की स्थिति एक बार फिर से हम यहाँ पर देख सकते हैं। यही जलधारा क्रमशः आगे बढ़ करके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी तट से टकरा करके उत्तर की ओर चली जाती है और ये ठंडी जलधारा के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर भी मरुस्थल का विकास हुआ है। ये जलधारा आगे बढ़ करके पुनः दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा में मिल जाती है। इस क्षेत्र में प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा का भी विकास होता है और यह जलधारा भी पूर्व की तरफ निरंतर प्रवाहित होती है। तो बच्चों ये प्रमुख महासागरों की जलधाराएं थी। इसके बाद हम जानेंगे कि इन जलधाराओं का महत्व क्या है। वैसे तो मैंने बीच बीच में विभिन्न जलधाराओं के महत्व का उल्लेख आपके सामने में किया है लेकिन ये जो जलधाराएं हैं एक बार फिर से इन महत्व को मैं दोहरा देती हूँ। अब हम देखेंगे कि ये जलधाराएं महत्वपूर्ण क्यों हैं। मानव के जीवन में इसका महत्व बहुत अधिक है। वैसे मैंने इसके महत्व का उल्लेख बीच बीच में किया है। जलधाराओं के प्रभाव से तटों में परिमार्जन यानी तटों में कुछ परिवर्तन होता है। जैसा अभी बताया था कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा का अगला हिस्सा है ये जलधारा यद्यपि आगे बढ़ते बढ़ते इसके तापमान में कुछ गिरावट आती लेकिन फिर भी तापमान के प्रभाव से यूरोप का जो पश्चिमी तट है विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन हॉलैंड के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में उच्च तापमान होने से यहाँ का जो समुद्री तट है यह जमता नहीं है और वर्ष भर यहाँ पर पत्तन खुले रहते हैं और व्यापारिक क्रियाएं निरंतर जारी रहती है। लेकिन जो ठंडी जलधाराएं हैं जैसे कि क्यूराइल की जलधारा लेबरेडोर की जलधारा या फॉकलैंड की जलधारा ये जलधारा उस क्षेत्र के तटों को जमा देती है। तो ये जलधाराओं का प्रभाव हुआ। इसके अलावा ये जो जलधारा है महासागर में क्षैतिजिक ऊष्मा संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। जलधाराओं के प्रभाव से मत्स्य उद्योग का विकास हुआ है जिसमें मैंने विशेष रूप से जो न्यूफाउंडलैंड का क्षेत्र अटलांटिक महासागर में और जापान का क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर में इसका विशेष उल्लेख आपके समक्ष किया है। इनके अलावा वर्ष भर गर्म जलधाराओं के कारण व्यापार निरंतर जारी रहता है और ठंडी जलधाराएं वहीं व्यापार के जो स्थिति है उसको कम करती है। ठंडी जलधाराओं के प्रभाव से महासागरों का जो पश्चिमी तट है अधिकांश मरुस्थलों के रूप में परिणित हो गया है विशेष रूप से 20 से 30 अक्षांश के बीच में। तो ये जलधाराओं का ही प्रभाव है।